अरे सुनो तो सही, पहले आप सुनो, आपकी सुन तो नहीं सुनो। ट्रांसजेंडर की शिकायत पर कार्रवाई ना होने पर डीसीपी ऑफिस पर किया हंगामा। इस डिस्ट्रिक्ट डीसीपी कार्यालय पर उस समय बवाल खड़ा हो गया जब वहां ट्रांसजेंडरों ने तालियां पीटनी शुरू कर दी, साथ ही हाय हाय के नारे भी लगाए। दरअसल ये लोग शकरपुर और मंडावली थाने में दी शिकायत पर कार्रवाई ना होने से नाराज थे। कार्रवाई की मांग एक ट्रांसजेंडर के खिलाफ ही है। उस ट्रांसजेंडर पर मारपीट करने, वसूली कराने, लूटपाट कराने जैसे कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। अब उन्होंने डीसीपी को भी अपनी शिकायत दी है, जिस पर कार्रवाई होने का आश्वासन मिलने के बाद वो लोग शांत हुए। मामले में दी गई शिकायत के मुताबिक काव्या नामक एक ट्रांसजेंडर उन लोगों को परेशान कर रहा है। काव्या कनॉट प्लेस इलाके का है, लेकिन आरोप है कि वह अपने पैर पसार रहा है। वह लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनवा कर लूट करवाता है। यही नहीं, उस पर लक्ष्मी नगर में रहने वाले एक ट्रांसजेंडर को पीटने के अलावा उठाकर ले जाने का भी आरोप है। वह चाहता था कि ये लोग भी उसके साथ काम करें, मगर ये लोग तैयार नहीं हुए। उसके बाद शकरपुर थाने में इस मामले को लेकर शिकायत भी दी गई, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह मंडावली थाने में भी शिकायत दी गई थी, मगर उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। इस कारण ये लोग सोमवार को डीसीपी ऑफिस पहुंचे थे। एक ट्रांसजेंडर की पिटाई की वीडियो भी सामने आई है। दावा किया गया है कि पिटाई कराने वाला ट्रांसजेंडर काव्या है। एक ट्रांसजेंडर को पीटा ही नहीं जा रहा, बल्कि उसके बालों को भी काट दिया गया। यही कारण है कि ट्रांसजेंडर काफी नाराज थे। हंगामा करते देख डीसीपी ऑफिस में एसीपी ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की और दो ट्रांसजेंडर को डीसीपी प्रियंका कश्यप से मिलने भेजा, और डीसीपी साहिबान ने इन लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि मुझे आज ही शिकायत मिली है। इनकी बात सुनने के बाद शिकायत पर कार्रवाई भी शुरू करवा दी गई है। इसके बाद भी इन लोगों ने हंगामा किया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम एलेक्स मैपलीना है। आप लोग यहाँ पर ऐसे हंगामा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ आपके? देखो, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को कोई नहीं समझता, हम लोग को इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर क्या, दिल्ली के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा हुआ है। और ना देखो, हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, वो लोग हम लोग को बोलते हैं जोर जबरदस्ती। आप ना कौन बोलता है? ये काव्या सिंह नाम करके सीपी की एक ट्रांसजेंडर है जो कि पूरा सेक्स रैकेट चलाती है, और वो नाबालिग बच्चों को ना लिंग परिवर्तन करवा के उनका ना धंधे पे उतारती है, ना सबको ना महीने का 18,000 रुपए मांगती है। बोलती है कि अगर तुम लोग 18,000 रुपए नहीं दोगे तो गंजा करूंगी, मारूंगी, मुंह पे तेजाब फेंकूंगी, जान से मरवा दूंगी। ये देखो, मैं वीडियो दिखाती हूँ पूरा, ये देखो वीडियो। अरे मुझे देख लो ना, ये क्या देख लो, मुझे देख लो, इसको देखो, मुझे देख लो, मुझे देख लो, मेरी फोटो कहाँ गया? ठीक है, ये मार रही है पूरा पूरा, ये देख सकते हो, वो वीडियो ले लेंगे हम। अभी 20 दिन पहले तेरे को किडनैप किया, दो दिन पहले किडनैप किया, गोली लगाया मेरे को, गोली लगाया, बोला तू नहीं बेकेगा सामान, मेरी स्मैक वगैरह नहीं बेकेगा, तुझे मार डालूंगी। मैं बोली मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे कॉलेज है, मैं कहाँ जाऊँ पहले बताओ। इनको मैंने बोली, इनने जवान लड़ाई की, देख तेरी मैंने साथ दूंगी। तो जब उसने देखा कि मेरे बाल नहीं, ये भी चौंक गई, बता मेरी कॉलेज में भी बंद हो गई। कॉलेज वाले बोले तेरी बाल कहीं, तू अभी लड़कों के साथ बैठेगा। मैं कहाँ लड़कों के साथ बैठूंगी, मैं क्या पैदा ही जड़ा हूँ, देख लो, देखना है तो देख लो, अपनी इज्जत है, मेरे घर वाले देख रहे हैं, मैं नंगा थोड़ी हो सकती हूँ, मेरे घर वाले देख रहे हैं। जो जिसने आपके बाल काटे हैं उसका नाम है काव्या सिंह। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो सीपी पहाड़गंज में रहती है, मन्नत होटल, आपको बताया ना, मन्नत होटल इंटरनेशनल सामने रहती है। क्या वो लक्ष्मी नगर में आके? लक्ष्मी नगर में वो पहले मैं उनके घर में रहती थी, वो मुझे भैला पुसलाया, बोला तुझे मॉडलिंग करवाऊंगी, तब मेरी उम्र छोटी थी, तब मेरी बाल भी बहुत थे, तो तब बोली कि आ जा। उसके बाद मैंने जब गई, वो मेरे साथ अत्याचार करती थी, मुझे घर में बिठाती थी, बर्तन से लेकर सब कुछ, मैं पढ़ा लिखा करके आती थी, मुझे बर्तन मंजवा रही थी, सब कर रही थी। मैं अभी प्लस टू सेकेंड ईयर कर रही हूँ। अर्शी, आप लोगों ने यहाँ पर आए थे तो आप ऊपर लोग मिलने गए, तो आपको डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला है? उन्होंने यही बोला है कि आज ही अरेस्ट होंगे, कार्रवाई आज ही करी जाएगी, कार्रवाई अगर आज नहीं करी गई तो हम यहीं पे अपनी जान दे देंगे, डीसीपी ऑफिस के सामने हम सारे मिलकर अपनी जान दे देंगे। हमें बस इतना पता है कि काव्या सिंह आज ही जेल के अंदर जाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तो आज ही हो, एक्शन आज ही होना चाहिए। और हमारे जान को खतरा है, हमारे सबके जान को बहुत खतरा है, बहुत खतरा। हम लोग हमें बंदूक दिखा के, लोहे के बल्ले दिखा के, चाकू दिखा के बहुत डराते, बहुत धमकाते हैं। हमें बोलते हैं कि रोडों में जाके धंधा करो, अगर हम मना करते तो हमें मारते हैं, हमसे महीने का 18,000 मांगते, हम कहाँ से देंगे।
और हम गरीब लोग हम कहां से देंगे। आपने क्या किसी पहले इससे पहले किसी पुलिस स्टेशन में आपने हमने शिकायत करी है, कंप्लेंट करी है, शकरपुर थाने में, मंडावली थाने में, आईटीओ हेडक्वार्टर्स में गए थे, सीपी में, वहां पे भी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी गई हमारी, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमें एक हफ्ते से ऊपर हो गया, 15 दिन होने को आ गए, हम घर के अंदर बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसका आतंक दिया गया है कि कार्रवाई होगी, दिया दिया तो गया है, हम लोग जेल हो उसका ना ही जुड़गा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।